सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं अपने फ्रीलांस वाले काम में काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि शायद हम इन सभी चक्करों में ये चीज भूल चुके हैं कि हमारा प्यारा सा लॉ बहुत बड़े खतरे में है। लॉ इतने बड़े खतरे में है कि अगर ब्लैक बियर्ड के मुंह से रूम सुन लिया किसी ने तो उसी दिन लाखों लोग रो देंगे। लॉ एक बहुत ही चहेता कैरेक्टर है वन पीस का, क्योंकि आई थिंक आधे एनिमे से भी ज्यादा टाइम तक लॉ लूफी के साथ रहा है और मल्टीपल टाइम्स उसने लूफी की हेल्प की है। तो इसीलिए आज वीडियो में हम व्हाट इफ को कंटिन्यू करते हुए अज्यूम करने वाले हैं कि क्या होगा कि अगर रीसेंट के चैप्टर्स में ब्लैकबियर्ड ने लॉ का डेविल फ्रूट चुरा लिया, अगर हमने ब्लैकबियर्ड के मुंह से रूम सुन लिया तो आगे स्टोरी एंड चैप्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और आखिर ब्लैकबियर्ड कितने पावर्स को एक साथ अपने पास रख सकता है, जो अभी एक मिस्ट्री बनी हुई है, उसे भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस अभी ना टाइम वेस्ट किए, लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये चीज होगी कैसे, क्या क्या चांसेस हैं जिसके थ्रू ऐसा हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड लॉ का डेविल फ्रूट चुरा ले। तो रिसेंट के चैप्टर्स में हमने देखा है कि लॉ एंड ब्लैकबियर्ड की फाइट हो रही थी और इस फाइट का 90% आउटकम हम लोग जानते हैं कि ब्लैकबियर्ड के हाथ में है। तभी वहां पर ओडा सेंसेई ने गाप को भेज दिया है। अब यहां दो केसेस बन सकते हैं, जहां एक केस में गाप टाइम पर आएगा और दूसरे केस में वो टाइम पर नहीं आएगा। हम यहाँ पर दूसरा केस लेके चलते हैं कि गाप टाइम पर नहीं आएगा, तो फिर इसके बाद अगेन दो केसेस बनेंगे जहाँ या तो लॉ भाग जाएगा एज वो समझदार है एज कम्पेयर टू एनी अदर कैरेक्टर, या फिर वो रुक के ब्लैकबियर्ड से फाइट करेगा एंड अल्टीमेटली डिफीट हो जाएगा। सो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि लॉ फीलिंग से ज्यादा लॉजिकली सोचता है और किसी भी काम को करने के लिए वो लूफी और किड की तरह डायरेक्ट कूद नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में वो वहां से ब्लैकबियर्ड से बचकर नहीं भाग पाया एंड ब्लैकबियर्ड उसे डिफीट कर देता है। अब लॉ को हराते ही ब्लैकबियर्ड का नेक्स्ट मूव है उसकी पावर्स लेना, क्योंकि ब्लैकबियर्ड को भी पता है कि आखिर लॉ क्या क्या उखाड़ सकता है अपनी पावर्स के साथ। अब यहाँ जरा ध्यान में रखना, जो फ्रूट ब्लैकबियर्ड को मिला है वो अवेकन फ्रूट है एंड उसकी कैपेबिलिटी सही से यूज की जाए तो बड़े बड़े योंकोस को भी टक्कर देती है। तो अगर क्या चांसेस है कि ऐसा कुछ हो सकता है, देखो जिस तरह से ओडा सेंसेई स्टोरी लिखते हैं हम ये चीज कह सकते हैं कि इसके चांसेस 25% है, क्योंकि ओडा सेंसेई की स्टोरी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम कुछ सोच रहे होते हैं और जस्ट उसका ही उल्टा हमें देखने को मिलता है इन द चैप्टर। यहाँ पर ये 25% इसलिए भी है क्योंकि स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है कि गाप आएगा या नहीं आएगा, और जिस केस में भी नहीं आएगा उसमें भी 25% चांसेस हैं कि लॉ भागेगा या नहीं भागेगा। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसके चांसेस कुछ 25% है, बट मान लेते हैं कि अगर ये भी 25% सही हो जाए तो इस केस में ब्लैकबियर्ड मोस्ट प्रोबेबली अपने गुरा गुरा नोमी से लॉ के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से लॉ बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा एंड फिर उसके लिए उस डेविल फ्रूट को चुराना बहुत ही आसान हो जाएगा। या फिर मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चलते हैं कि ब्लैकबियर्ड की हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इस लेवल तक है कि लॉ अपने रूम की पावर्स को ब्लैकबियर्ड के ऊपर यूज ना कर पाए। हमने लास्ट मोमेंट पे देखा था कि ब्लैकबियर्ड अपने वॉर्टेक्स मूव का यूज कर रहा था, सेम वही मूव जिसकी वजह से उसने एस को अपने हाथ में पकड़ लिया था। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लॉ के लिए, क्योंकि वो अपना डेविल फ्रूट यूज ही नहीं कर पाएगा बच के भागने के लिए, और क्योंकि किसी भी योंको के अगेंस्ट लॉ का जो सबसे बड़ा वेपन है वो है अंदर से डैमेज करना एंड डेविल फ्रूट ना यूज कर पाने की वजह से वो ब्लैकबियर्ड को किसी भी तरह से अंदर से डैमेज नहीं कर सकता। और अगर हम एक्सटर्नल डैमेज की बात करें तो ना तो ट्रफरगर लॉ जोरो की तरह स्वॉर्ड्समैन है और ना ही वो लूफी और किड की तरह उसके अंदर इतना फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो अगर एक भी बार लॉ ब्लैकबियर्ड के हाथ में आ गया तो यहाँ पर खेल खत्म है, ब्लैकबियर्ड तुरंत उसके डेविल फ्रूट एबिलिटीज को चुरा लेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स। अब इससे पहले हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा, थोड़ा नजर मार लेते हैं ओपे ओपिनोमी की पावर्स पे। वैसे तो उस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि आगे इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो इसके नाम में इसका पावर है ओपे ओपिनोमी, जो कि एक शॉर्ट टर्म है जैपनीज वर्ड ऑपरेशन का, जिसका मीनिंग होता है ऑपरेशन। तो ओपे ओपिनोमी ये एक शॉर्ट टर्म है वर्ड ऑपरेशन का, वही ऑपरेशन जो कि डॉक्टर्स हमारे ऊपर करते हैं। तो इसका पूरा नाम हुआ ऑपरेशन ऑपरेशन फ्रूट। और इसकी पावर्स आपको पता है कि एक पर्टिकुलर रूम के अंदर ये किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि उन्हें काट सकता है, उन्हें चीर सकता है, इधर उधर फेंक सकता है और फिर भी वो लिविंग बींग मरेगा नहीं। और जिस भी पर्टिकुलर एरिया में लॉ का रूम एक्टिवेट होता है, लॉ उस एरिया का भगवान बन जाता है। उस एरिया में कोई भी लॉ का कुछ नहीं उखाड़ सकता अनलेस उस बंदे के पास बहुत ही भयंकर हाकी हो या फिर कोई ऐसा एबिलिटी हो जिसके जरिए वो लॉ के पावर्स को नलीफाई कर दे। और रिसेंट अवेकनिंग के बाद लॉ अपने तलवार को भी कोट कर सकता है, जिसे वो के रूम या फिर आर रूम बोलता है, और इसकी हेल्प से वो मैटर मैनिपुलेशन जैसे चीजें भी परफॉर्म कर सकता है। लिटरली उसकी तलवार इतनी बड़ी हो गई थी कि ओनिगाशिमा से होते हुए पूरे पूरे वाहनों में धस गई थी। तो ये सारी एबिलिटीज भी लॉ के पास अब आ चुकी हैं। इन शॉर्ट ये फ्रूट बहुत ही ब्रोकन है और कोई भी लॉ का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। बट सैडली हमने व्हाट इफ में ये रखा है
कि क्या होगा अगर ब्लैकबियर्ड ने ये फ्रूट चुरा लिया और वो इस फ्रूट के साथ क्या करेगा। यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि वो इसे यूज ना कर सके क्योंकि ऑलरेडी उसके पास दो सबसे पावरफुल लेवल फ्रूट्स हैं जो कि यूज करते हुए खुद यूजर की पावर्स को कंज्यूम करते हैं। और इस सिचुएशन का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है लूफी का गियर 4th या फिर उसका गियर 5। इन दोनों ही केसेस में लूफी इतना ज्यादा पावर कंज्यूम करता है कि उसके लिए उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ब्लैकबियर्ड इन तीनों ही डेविल फ्रूट्स को कंबाइन करके एक साथ यूज कर पाएगा। और ये चीज थोड़ा सेंस भी नहीं बनाता कि ब्लैकबियर्ड जाके कई सारे डेविल फ्रूट्स को अपने अंदर भरे जा रहा है। ये काफी हद तक माय हीरो एकेडमिया के डेक्कू जैसा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम सेकंड केस देखते हैं ये कंसीडर करते हुए कि ब्लैकबियर्ड एक यूनिक जानवर है। और यहीं से हमारा अगला टॉपिक आता है फ्यूजिंग विद अदर डेविल फ्रूट्स। ब्लैकबियर्ड वन पीस के यूनिवर्स में एकलौता बंदा जिसके पास मल्टीपल डेविल फ्रूट्स हैं, बट आई डोंट थिंक वो सब फ्रूट को एक साथ यूज कर पाएगा। एक रीजन तो मैंने ऊपर क्लियर कर दिया कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और सेकंड केस ये हो सकता है कि वो तीनों को एक साथ यूज कर पाए, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत पहले भी एक थ्योरी में क्लियर किया था क्योंकि उसके फ्लैग पर 3 स्कल्स हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर किस तरह से ब्लैकबियर्ड तीनों डेविल फ्रूट्स को एक साथ यूज कर पाएगा। ना जब मरीन फूड आर्क में ब्लैकबियर्ड ने एंट्री ली थी तो उसने एक हाथ में गुरा गुरा नोमी और एक हाथ में यामी यामी नोमी को यूज किया था। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि ब्लैकबियर्ड अपने पूरी बॉडी को डार्कनेस से कवर कर सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़े सिचुएशन बनेगा ब्लैकबियर्ड के लिए वो ऐसा होगा कि ब्लैकबियर्ड अपनी पूरी बॉडी को डार्कनेस से कवर कर ले और एक हाथ में ओपे ओपे रूमी और दूसरे हाथ में गुरा गुरा नोमी को लेकर एक साथ यूज करे। इसकी वजह से ब्लैकबियर्ड एक बहुत ही बड़ा डेडली कॉम्बो बना देगा। देखो मैं सिंपल तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। गुरा गुरा नोमी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि उसको काफी छोटे स्केल पे यूज करना पड़ता है, तो इवन ब्लैकबियर्ड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जहां पर वो खड़ा है क्या पता वही जगह ही डूब जाए और फिर वो खुद डूब के मर जाएगा। तो यहाँ पर अगर ब्लैकबियर्ड को कंसंट्रेटेड वे में ट्रेमर फ्रूट को किसी के ऊपर अटैक करना है तो उसे किसी भी तरह से क्लोज उसके जाना पड़ेगा। ये काम वो यामी यामी नोमी से भी कर सकता कि वो अपने एनिमी को ही अपने पास बुला ले, बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता कि एनिमी को पता है कि वो ब्लैकबियर्ड की तरफ जाने वाला है और इसीलिए उसका अपोनेंट उसकी तरफ खींचते खींचते ही अटैक कर देता है। यामी यामी नोमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ब्लैकबियर्ड को डबल दर्द होता है अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर ओपे ओपे नोमी एक तरह से ऑफेंस की पावर दे देगा ब्लैकबियर्ड को, जहाँ पर ब्लैकबियर्ड थोड़ा सा गुरा गुरा नोमी की पावर्स को और किसी भी ओपोनेंट के पास खुद को टेलीपोर्ट करके धीरे से अपने यामी यामी नोमी के भी पावर्स को यूज कर सकता है उनकी पावर्स को नलीफाई करने के लिए। और इन सब चीजों से बड़ी चीज पता है ब्लैकबियर्ड के हाथ में क्या लग जाएगी, स्नीक अटैक्स। ब्लैकबियर्ड बहुत ही धीरे से कुछ भी चुरा सकता है और बहुत ही धीरे से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। वो किसी को भी डिसेबल बना सकता है कि वो उसके ऊपर अटैक ही ना कर पाए। और ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज होंगी जो कि ब्लैकबियर्ड के हाथों में लग जाएंगी, और कंसिडरिंग कि उसके पास दो बहुत ही भयंकर डेविल फ्रूट्स हैं, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा ब्लैकबियर्ड के लिए। द पावर टू टेलीपोर्ट एनीवेयर, द पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड द पावर टू नलीफाई एनीथिंग, क्योंकि वो कहीं पर भी पहुंच के कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। यही सेम चीज थैनोस ने किया था अगर आपको याद हो तो। जैसे ही उसको टेसरैक्ट मिल गया वो कहीं पर भी जा सकता था, पावर स्टोन की हेल्प से वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, और जैसे उसको सारे स्टोन्स मिल गए वो किसी भी चीज को तुरंत ही खत्म कर सकता था। ये सारा सीन इतना अमेजिंग हो सकता है कि इसको सोचकर ही गूज बम्स आ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट से पहले तो ब्लैकबियर्ड ही सबसे बड़ा विलेन बन जाएगा लूफी के लिए, और इस केस में इवन लूफी भी निका मैन फॉर्म में कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा ब्लैकबियर्ड का। वन पीस सिर्फ पावर्स के बेसिस पे नहीं चलता या फिर सिर्फ फाइट्स के बेसिस पे नहीं चलता, पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा पार्ट है पूरे पूरे वन पीस के वर्ल्ड का, और जैसे ही इसकी न्यूज फैलेगी एक बहुत ही बड़ा सा इम्पैक्ट होगा। अब मॉर्गन के पास इतनी बड़ी न्यूज ना जाए कि लॉ हार गया, ये इम्पॉसिबल है। सो ये न्यूज स्प्रेड होगा एंड इस न्यूज के साथ पूरे वर्ल्ड में खलबली मच जाएगी, क्योंकि ये कोई छोटी मामूली सी बात नहीं है भाई। यहाँ किसी ऐसे कैरेक्टर्स की पावर चोरी हुई है जिसने न्यू वर्ल्ड में घुसकर बिग मॉम को हराया था, जिसकी बाउंटी ही 3 बिलियन बेरीज है। काफी कैरेक्टर्स को अब ब्लैकबियर्ड एक बड़ा थ्रेट लगने लगेगा, उसकी बाउंटी बहुत तेजी से स्काई रॉकेट करेगी एंड आई थिंक वो इवन रॉजर को भी क्रॉस कर सकता है। मरीन्स यहाँ ब्लैकबियर्ड को सीरियसली लेंगे, क्योंकि अगर ब्लैकबियर्ड ऐसे ही पावर्स लेते गया तो वन पीस के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पावर्स का इम्बेलेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि वन पीस के वर्ल्ड को पूरा पूरा हिला सकता है। और ये चीज ना तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट में से चाहेगा ना तो कोई पायरेट्स में से। अब बात इतनी आगे आ चुकी है कि इवन योंकोस भी ब्लैकबियर्ड के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे। शैंक्स तो वैसे भी एल्बाफ से निकला ही है यही काम करने के लिए। ओडासन से भी काफी दिनों से कह रहे थे कि तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होगी, तो पॉसिबली हमें एगहेड के बाद आने वाले आर्क्स में शैंक्स वर्सेस ब्लैकबियर्ड देखने को मिल सकता है। और भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा इंटरनेट टूट जाएगा। अब यहाँ पर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शैंक्स बिना डेविल फ्रूट के मल्टी डेविल फ्रूट वाले बंदे से कैसे लड़ेगा।
वैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो चांसेस कम है कि शैंक्स जीतेगा, क्योंकि ब्लैकबियर्ड अल्टीमेटली लूफी से डिफीट होने वाला विलन है। तो इसीलिए इस बात के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ब्लैकबियर्ड वर्सेस शैंक्स शायद हमें देखने को ना ही मिले, या फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो ब्लैकबियर्ड बीच में से ही फाइट छोड़कर भाग जाए। लूफी वर्सेस ब्लैकबियर्ड, हमने अब तक ये देख लिया कि आखिर वन पीस की दुनिया में क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। अब जरा इस बात पर नजर मारते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो लूफी वर्सेस ब्लैकबियर्ड जो होगा उसमें ब्लैकबियर्ड के पास क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। तो देखो, हम सबको पता है कि ब्लैकबियर्ड का बेसिक कैरेक्टर कैसा है। वो इवन अपने क्रूमेट्स के बारे में भी नहीं सोचता, उसे बस जितने से मतलब है बस उन्हें ही बचाने के बारे में सोचता है। तो जहां तक लगता है यहां ब्लैकबियर्ड ऑल आउट लड़ेगा लूफी से विद ऑल थ्री डेविल फ्रूट्स एट अ टाइम, जो कि उसको काफी एडवांटेज देगा। लेकिन वो गुरा गुरा एंड ओपे ओपे को कंबाइन करके डायमेंशंस के अंदर से डैमेज कर देगा, लेकिन वो ओपे ओपे नोमी का यूज करके किसी के भी बॉडी के अंदर जाके गुरा गुरा नोमी के अटैक्स को परफॉर्म कर सकता है, जिसके वजह से अगला यूजर या फिर उसका जो भी एनिमी होगा वो लिटरली अधमरा हो जाएगा या फिर वो मर भी सकता है। अगर मैं मान भी लूं कि लूफी अपने नीका फॉर्म में ब्लैकबियर्ड से फाइट कर सकता है तो ब्लैकबियर्ड के यामी यामी नो मी की वजह से उसका नीका फॉर्म भी डीएक्टिवेट हो सकता है। हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि ब्लैकबियर्ड अगर किसी जोआन यूजर को टच करेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट हमने एक बार जरूर देखा कि जब उसने लूफी को टच किया था तो उसकी सारी रबर वाली कैपेबिलिटीज खत्म हो गई थी। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसकी नीका वाली जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो तुरंत खत्म हो जाए, जहां पे वो अपनी साइज को बढ़ा लेता है या फिर बड़े बड़े अटैक्स यूज कर सकता है या फिर अपने आप को बहुत जल्दी रीजनरेट भी कर सकता है। वो सारी की सारी एबिलिटीज पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगी। इसीलिए जहां तक मुझे लगता है कि लूफी को एक अलायंस की जरूरत पड़ेगी, एंड यू नो हु इज गोइंग टू बी हिज अलायंस अगेंस्ट ब्लैकबियर्ड। शैंक्स के अलावा मुझे और कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं लगता जो कि लूफी के साथ मिलकर ब्लैकबियर्ड से फाइट करेगा। खैर, आपको क्या लगता है ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओवरऑल मैं यही बोल सकता हूं कि अगर ब्लैकबियर्ड ने एक भी बार रूम बोला तो जितना वो तबाही मचाने वाला वो सोचकर तो लोग परेशान हो ही जाएंगे, पर जितने भी वन पीस के रीडर्स हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हैं। लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर। जिस तरह से कोराजोर ने उसकी जान बचाई थी और जिस तरह से लॉ का कैरेक्टर रखा गया है, उसकी रूम की कैपेबिलिटीज को जिस तरह से वो यूज करता है, वो कैरेक्टर ही सभी के दिल में बस गया है। और नॉट टू मेंशन द लेजेंडरी वॉइस एक्टर ऑफ लीवाई का वॉइस एक्टर लॉ को शेयर करता है। बेसिकली मैं नहीं चाहता कि लॉ को कुछ भी हो, प्लीज गार्प दादाजी जल्दी से समय पे पहुंच जाओ इससे पहले कि कुछ चौदम पट्टी हो जाए। वैसे गाइस, ब्लैकबियर्ड रूम बोलेगा या नहीं बोलेगा ये तो हमें नहीं पता, बट क्या आप ये नहीं जानना चाहते अगर हर कोई लूफी को ज्वाइन कर लेता तो क्या होता, या फिर अगर करंट का नीका फॉर्म लूफी के पास मरीन फोर्ड आग के वक्त होता तो क्या होता। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको लेफ्ट और राइट साइड में मिल जाएंगे, तो आप इन दोनों को देख के एंजॉय कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।